नमस्ते दोस्तों, मैं विशाल आपका यशोभूमि टेक्सटाइल में स्वागत करता हूँ। यशोभूमि टेक्सटाइल जो गौरीसुत टेक्सटाइल की एक ब्रांड नेम है, जिसका 25 सालों से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का हमारा बिजनेस है। हम यहाँ पे चीज़ें बना रहे हैं खुद, आपको उसमें एडिशनल जॉब वर्क करके और आप तक पहुँचा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि आपको असली मैन्युफैक्चरर की पहचान भी हो जाए और आप अपने बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा कमा पाए। हम आपको इतने दिनों में कई वीडियोज़ के अंदर ये दिखाते आए हैं कि हमारी वेराइटीज़ किस तरह की है, ये आपको किस तरह बिजनेस करना है वो बताते आए हैं, लेकिन फिर भी कई कस्टमर को कंप्लेन आ रही है कि हम बिजनेस शुरू कैसे करें उन्हें नहीं पता है, या फिर अगर कस्टमर हमसे डील करने के पहले वो जुड़ने से पहले सोच रहे हैं कि हमने उन्होंने आज तक शुरू से कई कपड़े लिए होंगे तो उन्होंने लिए और नहीं बिक रहे, तो उनकी उस कंप्लेन के चलते वो डर रहे हैं कि सूरत में वो डीलिंग दोबारा कैसे करें। तो ये वीडियो आज का सिर्फ उनके लिए है और ऐसे दोस्तों के लिए, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पहचान में कोई तो उन्हें आज का ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिसमें हम आपको ये टिप बताने वाले हैं कि जिसके थ्रू आप सूरत में सही तरह से परचेजिंग करके अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह से प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। तो देखिए, आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कुछ बातें, जिनमें पहली बात है कि आपको आपने जो बिजनेस किया है उसमें आपने खरीदी किस रेंज की है और किस घर से की है। जैसे कि अगर आपने गौरीसुत टेक्सटाइल से कपड़ा लिया है तो हम जो कपड़ा बना रहे हैं हम आपको श्योरिटी देते हैं कि कपड़ा अच्छा है, क्वालिटी में रेट में भी चीपेस्ट है। तो आप ऐसे घर से खरीदी करेंगे जहाँ आपको सब चीज़ सही दाम में मिल रही है, तो आप अपना मुनाफा जो है वो अच्छा जोड़ पाएंगे। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है कि रेंज जो है वो हल्की से लेकर भारी हर तरह की चलती है। तो आपने किस तरह की खरीदी की है, आपने 150, 100, 200 रुपए की रेंज खरीदी की है, या फिर आप उससे प्लस की रेंज में गए 250, 300, 400, या आप और प्लस में गए, क्योंकि अगर ब्राइडल वेयर आप जाते हैं लेने तो साथ में लहंगा और ब्लाउज पीस जो है वो भी रखने कंपलसरी हो जाते हैं। तो आपने किस तरह की रेंज परचेज की है वो आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आपने रेंज तो सब ले ली, लेकिन आपके जो कस्टमर आ रहे हैं वो उस रेंज की साड़ी अगर पसंद कर रहे हैं तो उसमें भी जो टेस्ट बोलते हैं, प्रिंट का टेस्ट या डाइट का या वर्क का टेस्ट, वो आपने उस अकॉर्डिंग किया है कि नहीं। क्योंकि आज इंडिया की हर जगह में अलग अलग तरह के प्रिंट डिज़ाइन, अलग अलग तरह के कलर रेंज और टेस्ट सब चलते, तो आपको ये देखना है कि आपने जो चीज़ पसंद की है, आप जो चीज़ बना रहे हैं या जो चीज़ आपने सूरत से खरीदी है वो आप कौन सी टेस्ट की ले रहे हैं और आपके कस्टमर्स उस तरह की प्रिंट रेंज को पसंद कर रहे हैं या नहीं। तो इसके साथ साथ में आपको ये अगर ख्याल आया है तो आपको जैसे जैसे मालूम पड़ेगा बिजनेस आप करेंगे, शुरू करेंगे, तो एक बात का और ध्यान रखना है आपको ये कि आपने अपनी एरिया में जहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ आपने इसका एडवर्टाइजमेंट, जो कि पैम्पलेट के थ्रू, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम रील के थ्रू, कैसे भी आपने प्रॉपर वे में किया है या नहीं। अगर आपने वो भी कर लिया है सब चीज़ें जो मैंने आपको भी चार स्टेप बताए, तो उसके बाद में पांचवा स्टेप आता है कि आपकी डीलिंग कैसी है या आपका मुनाफा कैसा है। अगर आप हायर प्रॉफिट करेंगे जनरेट, तो आपके कस्टमर एक बार आएंगे फिर रिपीट नहीं आएंगे। जैसे कि हमारा बिजनेस साड़ियों का 25 सालों से है और हमारी 25-30 हज़ार की डिस्पैचिंग है साड़ी की रोज की, तो वो सिर्फ इसलिए कि हमारा जो मुनाफा है वो लीस्ट है, हम कम मुनाफे में ज़्यादा क्वांटिटी करते हैं, जिससे कस्टमर भी रिपीट आते हैं और हमें मुनाफा जो है वो रिपीटेशन में हमें मिल जाता है और कस्टमर से रिलेशन भी अच्छा बन जाता है। तो ये जो पांच बातें मैंने आपको आज बताई है, अगर इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बिजनेस के अंदर काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती है, जैसे आपने जो सूरत से ख़रीदी की है वो आपने जिस घर से भी, जिस भी जगह से ख़रीदी की है, आपने उसको कंपेयर किया है या नहीं कि यही चीज़ कहीं और कम रेट में मिल रही है या नहीं मिल रही है, या फिर आपने सब तरह की रेंज रखी है कि नहीं। हमारा तो कहना है कि आप अगर ब्लाउज पीस, पेटीकोट पीस से लेकर हल्की रेंज की साड़ी से हेवी रेंज और प्लस लहंगे भी, जो आपको भी मैं दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, वो सब भी अगर आप रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। आपका कोई भी कस्टमर जो रेंज लेने आएगा आपके पास से लेके ही जाएगा, रिटर्न नहीं जाएगा। कई कस्टमर आते हैं, देखते हैं अपनी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, बाजू की दुकान में इससे हेवी रेंज मिल जाएगी, वहाँ देखते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आपके पास सारी वैरायटी मिलनी चाहिए और सब वैरायटी की रेंज आपकी परचेजिंग की जो एकदम लोएस्ट होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के थ्रू आप अपने बिजनेस को शुरू कीजिए और एक बार आप सूरत में अच्छे डीलर्स, अच्छे मैन्युफैक्चरर्स को मौका दीजिए जुड़ने का। उसके लिए आप हमारी यूनिट पे एक बार आइए। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सारी मिलेगी। फिलहाल हम साड़ी के अंदर सारी डीलिंग करते हैं, ब्लाउज पीस, लहंगा सब हम रखते हैं। आपको यहाँ आने के लिए हमारी लोकेशन पर क्लिक करना है जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप सूरत में आएंगे तो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन को कॉल करके पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी का पूरा यूज़ लेके हमारे यूनिट तक पहुंचिए। किसी और झांसे में मत आइए, हमारे कोई भी
डीलर्स या पार्टनर स्टेशन पे आपका वेट करते हुए नहीं मिलेंगे और ना आपको वो यहाँ लाने की कोशिश करेंगे, उन्हें जहाँ कमीशन मिल रहा है वो वहीं रह जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी बात जो है फंसना नहीं है, और बाकी मेरी बातें जो आपको बताइए वो ध्यान में रखना है। उसके थ्रू गौरीसूद टेक्सटाइल आपका स्वागत करता है, आप कभी भी आइए और अपनी खरीदी को शुरुआत कीजिए। थैंक यू दोस्तों।